बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बना रहे हैं जिंजर पेस्ट, जिसमें आप लोगों के लिए सहूलत भी है और बचत भी। अगर आप लोगों को मेरी टिप्स अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जिंजर पेस्ट बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ली है आधा किलो जिंजर, जिसको मैंने वाश करके अच्छी तरह से हुशक कर लिया है। नमक 1 टेबल स्पून, हल्दी 1 टी स्पून, ऑयल 2 टेबल स्पून। सबसे पहले मैं जिंजर के छिलके उतार लूंगी। जिंजर को छील के मैंने और छोटा छोटा कट कर लिया है। इस तरह से हमें ब्लेंड करने में आसानी रहेगी। और ये इसके छिलके जो हमने उतारे हैं ना, इसे हम वेस्ट नहीं करेंगे। मैं इसको जिपलॉक बैग में डाल के फ्रीज कर लूंगी। और आप इसको ग्रीन टी में और चाय में डालें, इस्तेमाल करें। स्पेशली सर्दियों में तो ये बहुत ही बेस्ट रहता है, गले को बहुत इससे आराम मिलता है। आप लोग भी ऐसे ही करना, इसको वेस्ट ना करना। अब हम ब्लेंडर में जिंजर डालेंगे। इसको ब्लेंड करेंगे। अब हम इसको ब्लेंड कर लेंगे। इसमें मैं थोड़ा सा पानी डालूंगी, तकरीबन 3 टेबल स्पून, ताकि ब्लेंड होने में आसानी रहे। अब एक दफा हम इसको मिक्स करेंगे, ताकि ऊपर वाली जो जिंजर है वो नीचे को चली जाए। पेस्ट हमारा तकरीबन बन गया है। अब हम इसमें ऑयल डालेंगे, साथ ही नमक और हल्दी डाल देंगे। और एक दफा फिर ब्लेंड कर लेंगे। जिंजर पेस्ट हमारा तैयार हो गया है। ये देखें, बहुत ही स्मूथ सा हमारा पेस्ट बना है, जबरदस्त। अब मैं इसको आइस क्यूब वाले ट्रे में डाल के फ्रीज कर लूंगी। बहुत ही ज्यादा इससे सहूलत रहती है, आप पेस्ट बना के फ्रीज कर लें। खाना बनाते वक्त आपका वक्त भी बचता है, और यकीन करें इससे आपकी जो जेब है वो भी हल्की हो जाती है। मतलब जब ये सस्ती हो तो आप ज़्यादा सारी ला के इसको फ्रीज कर लें। इसमें हमने नमक डाला है, और ये बहुत लंबे अरसे तक जो आपका स्टोर हो जाएगा, ख़राब नहीं होगी ये आपकी। और क्यूब्स में डालने से ये फ़ायदा होता है कि जितना आप खाना बना रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप निकाल लें और इसको इस्तेमाल कर लें। जिंजर गार्लिक का कुछ लोग मिक्स पेस्ट भी बनाते हैं, पर मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करूंगी कि आप सेपरेट सेपरेट ही बनाएं। हमारे जो पाकिस्तान में ट्रेडिशनल खाने बनते हैं, उनमें तो आप लोगों को पता है ये मस्ट डलता है, जिंजर भी गार्लिक भी। और ये बना हुआ पड़ा हो तो बहुत ही आसानी रहती है। जिंजर पेस्ट को मैंने आइस क्यूब ट्रे में अच्छी तरह से भर लिया है। अब मैं इसको फ्रीज कर दूंगी।
जिंजर पेस्ट हमारा फ्रीज हो गया है, अब हम इसको निकालेंगे। निकालने के बाद हम इसे एक एयर टाइट पैकेट में डालेंगे और इसको फ्रीज कर लेंगे। ये देखिए देखने में भी कितना खूबसूरत लग रहा है। जब आपने खाना बनाना हो अपनी हांडी के मुताबिक एक या दो क्यूब्स इसमें डालें और अपनी हांडी बनाएं, एंजॉय करें इसको। टाइम की बहुत ज़्यादा इससे बचत हो जाती है। ये लें जी, ये बिल्कुल तैयार है। अल्लाह ताला हम सबको अपने घरों में खुश और आबाद रखे, आसानियां करे हमारे लिए। अल्लाह हाफिज़।